उसका एब्डोमेन है, ब्लैक ब्लैक एब्डोमेन है, ठीक है ना, ये एब्डोमेन है, ठीक है। अब इसको हम इसका पकड़ लेते हैं, इधर से देखेंगे आगे इसका हेड दिख रहा है, एंटीना हिल रही है, ठीक है, एंटीना हिल रही है और हेड पर एंटीना, उसके पीछे वाला भाग थोरेक्स है, उसके पीछे वाला आगे से देखना मुड़ा हुआ सर, ये थोड़ा सा ना इधर से बैंड है इसमें, इधर से भी पीछे आगे हेड है, पीछे सेगमेंट भी है सर, उसके बाद एब्डोमेन। लेग कैसे निकले देखिए, प्रो मीजो और मेटा, देखिए आप चेक करिए इसको, लेग कैसे निकले हुए, प्रो मीजो एंड मेटा पे लेग निकले हुए इसके। ओए देखिए बीच में थे सर, यू का आई कंपाउंड आई, देखिए इसकी कंपाउंड आई सर, देखिए कंपाउंड आई दिख रही है आपको, कंपाउंड आई दिख रही है दोनों साइड में, दिखा कंपाउंड आई है, और देखिए विंग्स हैं इसके, विंग्स कितने जोड़ी हैं, अब देखिए कुदरत की करिश्मा, इसके पंख पर काला स्पॉट दिया है ना, एक दिया, अब अगर मैं कहूँ इसका आइडेंटिफिकेशन करिए, पहचानिए, तो ये पहचानने में मदद करता है ये काला स्पॉट, ये स्पॉट केवल इसी कीट में मिलेगा, और ये है रेड कॉटन बग, इसका नाम क्या है, रेड कॉटन बग क्यों कहते हैं सुन लीजिए, इसको उठाइए पंखों को, इसका ऊपर का भाग रेड है, यस सर, दिख रहा है, यस सर, रेड है, टूट ना जाए, ये रेड है, ठीक है, यस सर, और ये दो स्पॉट पाए जाते हैं इसी में, और किसी में नहीं मिलेंगे, किसी कीड़े में नहीं मिलेंगे, तो ये रेड कॉटन बग है, और देखिए छोटे छोटे से काले धब्बे और दिख रहे हैं, यस सर, नीचे रेड पार्ट्स के हर एक सेगमेंट पे दिख रहा है, आप देखिए छोटे छोटे काले काले धब्बे, यस सर, सब पंखों के भी, पंखों के नहीं, नीचे एब्डोमेन, नीचे देखिए एब्डोमेन में काले काले धब्बे दिख रहे हैं, रेड दिख रहा है, रेड दिख रहा है, रेड गाजल, रेड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये इंसेक्ट जो है रेड कॉटन बग है, और इसके पंख आप देखिए पीछे काले काले, आगे इसके रेड है, आगे इसके रेड है, और देखिए कोशिश यही कर रहा है किसी भी तरीके से छोड़ जाओ, मैं छूट जाऊँ, छोड़ दो सर इसे, जिस व्यक्ति के अंदर जीवन होता है ना, वो अपनी जिंदगी को जीने के लिए पूरी कोशिश करता है, तो अब अगर मैं इसको छोड़ दूं तो उड़ सकता है, उड़ जाएगा ये, और एंटीना देखिए इसकी, अब इसका चलना देखिए, चल रहा है लेग से, चल रहा है देखिए लेग से चलेगा, 3000 और एंटीना हमेशा इसकी मूवमेंट कर रही है, एंटीना साइलेंट नहीं है, इसको चलते हुए ले सकते हैं, अंदर चला जाएगा, ले लीजिए।